नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बकला की सब्जी। सीजनल सब्जी है तो एक आध बार खाना तो बनता ही है। और अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। चलते हैं आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। बकला की सब्जी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम बकला लिया है। मैंने इसे तोड़ के अच्छे से साफ कर लिया है और इसे धो लिया है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए 2-3 बकला रखा है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसे कैसे साफ करते हैं। हमें क्या करना होता है, ये जो इसके ऊपर का हिस्सा है इसे ऐसे तोड़ के, और ये इसके साइड में रेशे होते हैं, इस प्रकार से ये छील के हटा देने होते हैं। क्योंकि अगर हम इस प्रोसेस को नहीं करेंगे और इस छिलके को छील के नहीं हटाएंगे तो बनने के बाद ये मुँह पर पड़ेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये देखिए, ये आसानी से निकल जाता है। तो जब भी आपके पास समय हो तो आप टीवी देखते देखते इसे साफ कर लें तोड़ के। इसके आगे से तोड़ के ये पीछे तक ऐसे रेशे को हटाएं और फिर इधर से लेके ये लास्ट तक लेके ऐसे हटा लें। ये देखिए, इसे अच्छे से इसी प्रकार से छील लें। अब हम इसे बनाने के लिए चलते हैं, क्योंकि हमने इसे तो अच्छे से छील के साफ कर लिया है। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में लगभग 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल के उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। बिहार में स्पेशली सब्जी बनाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। चाहें तो आप किसी और तेल का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए यहाँ पर आप बकला डाल दें। गैस का आँच यहाँ पे आप मीडियम कर दें और बकला को 5 से 6 मिनट तक भून लें, या इसे तब तक भूनें जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा सुनहरा लेयर आना शुरू ना हो जाए। तो इधर जब तक हमारा बकला भून रहा है ना, तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में आपको चाहिए होगा 10 से 12 छिली हुई लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 यहाँ पर मैं सूखी लाल मिर्ची डाल रही हूँ। आज की सब्जी में हम सभी मसालों को साबुत पीस के डालेंगे। सब्जी का जो स्वाद है वो बहुत ही लाजवाब आएगा, बिल्कुल गांव देहात वाला। 10 से 12 यहाँ पे आप काली मिर्च डाल दें, 1/2 छोटा चम्मच सरसों के दाने, 2 चम्मच साबुत धनिया, 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे आप साबुत जीरा डाल दें। आवश्यकता अनुसार पानी डाल के मसाले को बिल्कुल बारीक पीस लें। तो मसाला यहाँ पे हमारा पीस के तैयार हो गया है, ये देखिए। तो बाकी मसाले भी हम यहीं पे ऐड कर लेंगे। तो 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है और ये ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें और थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के एक तरफ रख देंगे। इधर सब्जी भी हमारा अच्छे से भुन गया है और बकला के ऊपर हल्का सा सुनहरा कलर आ गया है। तो बस अब हम इसे तेल में से फटाफट से निकाल लेंगे। सब्जी बनाने के लिए इसी में हम थोड़ा सा तेल और ऐड कर लेंगे। तो लगभग 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। गैस का आंच धीमा कर दें और 1 तेज पत्ता तोड़ के डाल दें। साथ ही साथ तड़के में आपको यहाँ पर डालना है 1/2 छोटा चम्मच सरसों के दाने और थोड़ा सा यहाँ पर आप मेथी के दाने डाल दें। सरसों और जीरा यहाँ पे अच्छे से चटकने लगा है, तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज के कटे हुए आलू। आलू की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आलू को हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम आंच पे भून लेंगे ताकि आलू हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इसके ऊपर एक हल्का सा सुनहरा लेयर भी आ जाए। तो अब हम इसे ढक देंगे और ढक के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आलू को पकते हुए यहाँ लगभग 4 मिनट हो गए हैं, तो खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आलू के ऊपर एक हल्का सा सुनहरा लेयर आ गया है। तो अब हम यहाँ पे जो हमने मसाले स्टार्टिंग में पीस के रखे थे ना, वो डाल देंगे। जार में थोड़ा सा पानी डाल के जो बचा हुआ मसाला था उसे भी हम निकाल के सब्जी में डाल देंगे। 2 मीडियम आकार के कटे हुए टमाटर भी आप यहीं पे डाल दें ताकि मसालों के साथ टमाटर भी हमारे अच्छे से पक जाएं। टमाटर हमारे जल्दी पक जाएं इसलिए यहीं पे हम नमक डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अब हम इसे ढक देंगे और ढक के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस का आँच मीडियम से लो के बीच में रखेंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाएँ।
मसाले को भूनते हुए यहाँ लगभग 10 मिनट हो गए हैं, तो खोल के इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब इसकी पहचान कैसे की जाए कि मसाले हमारे अच्छे से भुने हैं कि नहीं, तो मसाले में से तेल अलग होने लगा है, दूसरी बात कि मसाला हमारा बर्तन के तले से बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो अब आप यहाँ पे पानी डाल दें, तो मैं यहाँ पे आधा कप पानी डाल रही हूँ। अब आप यहाँ पे भुना हुआ बकला डाल दें और डाल के इसे सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। तो सब्जी यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी पानी कम लग रहा है, तो आधा कप मैं पानी यहाँ पे और डाल रही हूँ। टोटल यहाँ पे मैंने एक कप पानी डाला है, क्योंकि अभी बकला को भी हमें पकाना है और आलू भी हमारे पूरी तरीके से पके नहीं हैं। अब आप सब्जी को ढक दें और ढक के बिल्कुल धीमी आंच पे इसे 8 से 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें, या इसे ढक के तब तक पकाएं जब तक कि बकला और आलू दोनों आपके अच्छे से पक ना जाएं। तो लगभग सब्जी को पकते हुए यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, तो सब्जी को खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्जी हमारी देखने में कितनी लाजवाब लग रही है। अगर आप बकला की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो ये गांव देहात के तरीके से सब्जी बना के देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। अब हम आखिरी में इसमें ताज़ा बारीक कटी हुई हरी धनिया के पत्ते डाल के इसे मिला लेंगे। और बकला की सब्जी ज़्यादा ग्रेवी के साथ अच्छी नहीं लगती है, तो इसे आप थोड़ा लटपटा ही रखें। मसाले के साथ जब ये लटपटी सब्जी बनती है ना, तो स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पे एक आलू मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए आलू हमारा अच्छे से मैश हो जा रहा है, और बकला के जो बीज हैं उसे भी अगर आप दबा के देखेंगे ना, तो वो भी यहाँ पे अच्छे से पक गए हैं, ये देखिए। तो बस अब आप यहाँ पे गैस बंद कर दें और चलते हैं सब्जी को गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। आज की इतनी सब्जी में परिवार के 3 से 4 लोग बहुत ही आराम से खा लेंगे। आप इसे रोटी या फिर पराठे के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। रेसिपी को बनाते समय अगर आपको कोई भी समस्या आए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दे सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। रेसिपी को और भी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इस स्वाद का आनंद उठा सकें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में, तब तक के लिए बाय बाय।